तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ, सैमसंग की एक ऐप होती है जिसका नाम है सैमसंग कैप्चर ऐप। दोस्तों उसके अंदर एक नया अपडेट आया है, तो आज आपको वीडियो में उसके अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों ये ऐप होती क्या है और इस ऐप को यूज कैसे करते हैं और इस अपडेट में क्या नए चेंजेस किए गए हैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग कैप्चर ऐप के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ थ्री डॉट्स में जाएंगे, यहाँ अपडेट्स में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक अपडेट अवेलेबल मिलेगा सैमसंग कैप्चर नाम से। ये अपडेट आप देखेंगे कब रोल आउट किया गया है, जो कि है वर्जन नंबर 5.9.58.1, जो कि अपडेट को रोल आउट किया गया है 11 जुलाई 2022 को और जो है साइज 23 MB का। दोस्तों जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताता हूँ अपडेट वाली में, कि ये जो अपडेट्स होते हैं मुझे जो लगता है कि प्रीमियम फोन्स में पहले आता है और नॉर्मल फोन में बाद में आता है, ऐसा रहता है। क्योंकि ये 11 जुलाई को रोल आउट हुआ है तो उनके पास 11 जुलाई को ही आ गया होगा और अपने पास अभी आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये ऐप में क्या नया चेंजेस किया गया है, इस ऐप में नया चेंजेस ये किया गया है कि बक्स को फिक्स किया गया, ठीक है। दोस्तों ये स्मार्ट जो सिलेक्ट ऐप होती है, ये काम क्या करती है, ये स्क्रीनशॉट लेने में काम आती है। स्क्रीनशॉट में अगर आप यहाँ पर स्क्रीन इसकी ये देखेंगे, यहाँ स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसमें एडिट करते हैं कंफर्टेबल लेआउट, ठीक है। यहाँ पर आप फोकस भी कर सकते हैं कि किस चीज़ को आपने फोकस करा है, आप यहाँ पर लाइन खींच सकते हैं। और साथ में अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए भी ये काम आता है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में तो हमेशा होता ही है, कभी ना कभी मोबाइल थोड़ा सा लेग हो जाता है, तो हो सकता है कि इस अपडेट के बाद उसको सोल्यूशन मिल जाए। तो पहले मैं आपको करके बता दूँ ये ऐप यूज़ कैसे करते हैं। तो लाइक मैं इसी ऐप में यूज़ करके बताता हूँ। मैंने मान लो जी यहाँ से मैंने पहले इसको अपडेट कर लेते हैं, पहले तो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, जो नीचे लाइन आई ना, इसी को स्मार्ट सेलेक्ट कहते हैं। अब मैंने इसको अपडेट कर लिया, स्मार्ट कैप्चर कहते हैं। मैं इसको अपडेट कर लेता हूं और अपडेट होने के बाद बताता हूं कि एक्चुअल में इस ऐप का आप कैसे यूज़ करते हैं अपने गैलेक्सी मोबाइल में। आप डेली यूज़ करते ही होंगे इसको, तो उसको होने देते हैं पहले अपडेट। तो फाइनली दोस्तों ये अपडेट हो चुका है। अब अपडेट करने का इसको यूज़ कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर पहले तो स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ये नीचे जो ऑप्शन आते हैं, मैंने यहाँ पर एडिट में क्लिक कर लिया। ये जो एडिट में खुला है ना, इसी को स्मार्ट सेलेक्ट कहते हैं। और आप देख रहे होंगे ये हाईलाइट करके एक बॉक्स दिखा रहा है। अब मैं इसको बॉक्स में कर लूंगा तो इतना एरिया ही हाईलाइट हो जाएगा और बाकी सब यहाँ पर हट जाएगा। मतलब कि स्मार्ट कैप्चर ने क्या करा, उसने ये कैप्चर कर लिया कि भैया इस चीज में इतना ही कैप्चर काम का है, बाकी और कुछ काम का नहीं है। तो ये ऐसे काम करता है। और आप इसमें क्या कर सकते हैं, एडिट करना चाहें या किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर रब करना चाहें तो आप ऐसे रब भी कर लेंगे। और अगर आप यहाँ पर इसका कलर वलर भी चेंज करना चाहें तो कलर चेंज करके आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। लाइक मुझे ये हाईलाइट करना है तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, तो ये हाईलाइट हो गया। यहाँ से आप इसको कैप बैक भी कर सकते हैं, मतलब जो आपने करा है इसको शेयर करना चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सेव हो जाएगा ये। और अगर आप डायरेक्ट इसको सेव ही करना चाहें तो सिर्फ सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो ये तो हो गया नॉर्मल सा। मैं अब आपको एक जगह ले जाके बताता हूं। लाइक मैं आ गया हूं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अब मैंने अपना ही यहां पर एक अपना ही पेज खोल लिया, ठीक है। अब मैंने यहां पर लाइक मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया, मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक करा एडिट पे, तो वो आप देखेंगे ऑटोमेटिक उसने फोटो को ही डिटेक्ट कर लिया स्मार्ट सेलेक्ट के लिए। वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन में और बाकी सब यहाँ पर हट गया है। तो सबसे पहला काम तो उसका यही होता है स्मार्ट कैप्चर का। उसके बाद यहाँ पर आप हाईलाइट कर सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ पर हाईलाइट करना है, मेरे को मोबाइल को हाईलाइट करना है, तो मैंने यहाँ पर यूँ करके मोबाइल को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो उसके कलर को भी चेंज करना चाहें तो यहाँ पर इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जो उनसा आपको कलर चाहिए आप वो कलर चूज कर लो, उसको हाईलाइट कर लो। एक तो ये काम हो गया। उसके बाद मैं दोबारा से स्क्रीनशॉट लेता हूँ। यहाँ पर आपको 3 से 4 ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पर हैश मार्क कर देंगे तो ये आपके इस नाम से ऑटोमेटिक आपको टैग करके बता देगा भैया आप ये हैश यहाँ पर ले सकते हैं, मतलब आपको सजेशन देने वाला है। और अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो लाइक मैंने यहाँ पर अपना क्रिएट कर दिया ऐसे टैग, और इसके नाम से अगर मैं इसको प्लस कर दूंगा तो ये इस नाम से सेव हो जाएगा। और अगर अब मैं जाके देखूंगा गैलरी में तो इसमें मुझे यही टैग्स मिलने वाले हैं जो कि मैंने अभी लगाए थे। तो ये कैसे दिखेंगे मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर गया तो आप देखेंगे ये टैग आपको दिख रहा होगा ऐसे टैग जो कि मैंने लगाया था, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
एक चीज़ ये हो गई, उसके बाद दोबारा मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर हैश हो गया, शेयर हो गया और डिलीट का, और ये आपको मिल जाएगा लॉन्ग स्क्रीनशॉट के लिए। लॉन्ग स्क्रीनशॉट के लिए आपको पता है ना कैसे लेते हैं, मैं वही बता देता हूँ। अगर आपने स्मार्ट कैप्चर को यूज़ नहीं करा तो मैं बता देता हूँ उसको। लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो ये भी हो गई, आपने कन्फर्म कर लिया, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये आप यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट आपका खुल जाएगा। आप देख सकते हैं ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट आपका यहाँ पर खुल चुका है। तो ये एक स्मार्ट कैप्चर का ही फीचर है। उसके बाद जो मेन फीचर बताने वाला हूँ अब कैसे, लाइक अब तो ये हो गया, मैंने यहाँ पर इसको ले लिया। ठीक है, लेने के बाद मैंने यहाँ पर एडिट पे क्लिक कर लिया। मुझे स्मार्ट कैप्चर का यूज़ नहीं करना, मुझे नॉर्मल पूरा लेना है, तो मैंने यहाँ पर हटा दिया उसको, वो हट गया। अब मुझे हाईलाइट करना है मेरे नाम को, तो मैंने यहाँ पर किया, मैंने ये राइट क्लिक करा और मैंने यहाँ से इसको यू हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद अब मैं इसको सेव कर दूंगा तो ये हाईलाइट बन के ही सेव हो जाएगा, और जिसको भी इसी को भी आप ये स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो हाईलाइट होके ही जाएगा। आप देख सकते हैं ये हाईलाइट होके जाना है। तो ये होता है स्मार्ट कैप्चर का फीचर। अब इसी में एक चीज़ और भी है, अगर आप ये देखेंगे इस पर पढ़ेंगे जाके गैलेक्सी स्टोर में, तो उसमें लिखा गया है स्मार्ट कैप्चर क्या काम करता है, साथ में आपका वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी काम करता है। वीडियो रिकॉर्डिंग जब आप करेंगे तो उसमें भी, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग बोले तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब आप करेंगे तो भी वो काम करेगा। तो कैसे, तो उसके लिए मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डर पर। स्क्रीन रिकॉर्डर पर जाने के बाद आप देखेंगे ये भी क्या है, शो टूल बार आफ्टर कैप्चरिंग, जो टूल बार दिखता है ना वो यहाँ से, अगर मैं यहाँ से बंद कर दूंगा तो वो टूल बार नहीं दिखेगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई, साथ में डिलीट आफ्टर शेयरिंग टूल बार, अगर आप डिलीट ऑटोमेटिक डिलीट स्क्रीनशॉट आफ्टर दे आर शेयर थ्रू द स्क्रीनशॉट टूल बार, अगर आप स्क्रीनशॉट टूल बार के थ्रू अगर फोटो शेयर करेंगे ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। आप यहां क्लिक करेंगे, हाइड स्टेटस एंड नेविगेशन बटन फोटोज में नहीं आए, जो कि अगर आप नहीं चाहते तो मैंने हटा के रखा है कि ऊपर की उम्मीद में नहीं आए। यहां पर आप PNG और JPG में ले सकते हैं, और मेन चीज़ है अब यहां पर जो नया चीज़ है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, आप यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैसे, लाइक मैंने यहां नो साउंड करा, अगर आप चाहते हैं कि साउंड और माइक दोनों जाए तो आप यहां पर उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप इसको रिकॉर्डिंग साथ में चालू कर सकते हैं। अब मैं इसका रिकॉर्डिंग को चालू कर लेता हूं, तो यहां पर आ गया 3, 2, और यहां पर आपको सेशन दिखा भी देगा और मेरे टैब्स भी यहां पर दिखेंगे। तो अब मैं जो भी रिकॉर्डिंग करूंगा आपको सब यहाँ पर दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर चलते वीडियो में किसी को अगर आप करना चाहें, या बोल सकते हैं चलते वीडियो में कोई भी चीज़ को हाईलाइट करना चाहें तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर आप यूँ करना चाहें तो यहाँ पर हाईलाइट भी कर सकते हैं, ये चलती भी जा रही है, ऊपर देख रहे हैं चल भी रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि साथ में मेरी फ़ोटो भी आए तो यहाँ पर साथ में मेरा सेल्फी कैमरा भी आपको दिख जाएगा। तो ये सेल्फी कैमरा भी यहाँ पर काम कर लेगा और वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी होती रहेगी। ठीक है, आप इसका कलर चेंज करना चाहे तो आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, बट अगर आप तब रिकॉर्डिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से ये रिकॉर्डिंग होगा। कैसे, मैं बता देता हूँ, अब ये रिकॉर्ड हो चुका है, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, अब ये जैसा कि मैंने करा था सेम वहाँ पर आपको दिखेगा, ऊपर के वो नहीं दिखेंगे जैसा ऊपर था, बट ये चलेगा ज़रूर। तो आप देख सकते हैं ये मैंने जो हाईलाइट करा था वो आ गया है, और यहाँ पर मैंने जब अपना फेस दिखाया था सेल्फी कैमरा में वो भी आ जाएगा। तो मतलब आप देख रहे हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद है यार ये चीज़, काम की चीज़ है, कभी कभार काम आ जाती है जब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं। हमारे जैसे के लिए तो बहुत काम की है, जब हमें कोई वीडियो बनाना हो, कोई फीचर बताना हो, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज़ करके हम बता सकते हैं। मतलब कि देखा जाए ये सैमसंग कैप्चर क्या करता है, इस ऐप से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं स्क्रीन की, मतलब स्क्रीन से रिलेटेड ये काम करता है। अब जो भी कुछ इसमें पहले बग्स होंगे उसको यहाँ पर क्लियर किया गया है। दोस्तों यही नया अपडेट था, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम और पे DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में नोटिफिकेशन वाला जो आइकन दिख रहा है ना उसको दबाना भी ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों।